அளவு சிறியது என்று சொல்லி, சிறியவன் நான், படிக்காதவன் நான், எளியவன் எளிய குடும்பத்தில் பிறந்தவன் என்று நாம் இருந்தாலும் பரிசுத்தாவியாகிய தேவன் நமக்குள் இருந்தால் அசாதாரணமான காரியங்களை செய்யும். छोटा हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो कुछ बलहीन हूं, ऐसे सोचेंगे तो भी अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा तो तुम बलवंत का काम करेंगे। और दूसरी बात से कहेंगे तो अगर समझो अपने बल से भी ऊपर ज्यादा हमें एक समस्या हमारे सामने आके खड़ा हुआ तो हमें यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के आत्मा से उनके विरोध हमें जय पाने के लिए बलवंत मिले। इसलिए परमेश्वर विरोधियों को देखकर बताता है कि पर्वत के जैसा जो विरोधियां हैं तुम कैसा है, लेकिन परमेश्वर के दास के सामने नाश हो जाए। अगर चाहे तुम्हारे सामने बहुत बड़ा पहाड़ के जैसा समस्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा कहता है कि वो सारे सब चीज को नाश करने वाला पवित्र परमेश्वर। एक बार हमें दाऊद ने, छोटा दाऊद ने, उन्होंने हमें भेड़े के पीछे चल गया, उनके बाप ने उनको बताकर तुम जाकर तुम्हारे बड़े भाई लोग हैं वहां पे युद्ध करने के लिए गया है, उन लोगों को देखकर आमेन आमेन वापस आओ बोला। ये भी वो अपने भाइयों को देखने के लिए उन्होंने वहां पे युद्ध, जहां युद्ध होता है वहां पे जा उनके सामने बहुत बड़ा पहाड़ के जैसा उन्होंने खड़ा किया। उस समय दाऊद, छोटा दाऊद ने वो वहां पे आ वो सोच रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। देखिए सारे इसराइलियों का सेना हुआ एक तरफ में और दूसरे तरफ में सिर्फ अकेला एक आदमी पहाड़ उन्होंने ये भीड़ के मध्य में जाकर उन्होंने बोल रहा था, बोल रहा था कि ये कहता है और तुम लोग क्या करता है। उस समय उन्होंने कहने के लिए शुरू किया है कि ये विरोधी के सामने आ गए और उनके और मैं जाऊंगा, मुझे भेजो। लेकिन ये तो बहुत बोलता है, इसलिए राजा ने उनके अपने तलवार को देकर उनको भेज दिया है। उन्होंने सारे हम कपड़ों का पहनकर युद्ध करने के लिए कपड़े का पहनकर तलवार को उठाकर उन्होंने पैदल की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने उस समय सारे सबको उतार के फेंक कर उन्होंने मेरे बल से नहीं है, दूसरे के बल से नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के बल से मैं जाऊंगा बोला। परमेश्वर के नाम से रहस्य अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करेगा तो प्रियम
पर्वतम बहुत बड़ा पहाड़ भी तुम्हारे आंखों के सामने हमें छोटा पत्थर बन जाएगी हालेलुया हालेलुया परिशुद्धता இல்லவிட்டால் अगर पवित्र आत्मा नहीं तो நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிற சின்ன பிரச்சனையும் பெரிய பிரச்சனையா நமக்கு தோன்றும். हमारी जिंदगी में एक छोटा समस्या में भी बहुत बाहर की जैसा देखा. हमें இந்த தாவீது அபிஷேகப்பட்டவன். ये दाऊद ले अभिषेक बना अभिषेक से भरा हुआ आदमी. அவன் ராகுவே அவனுடைய பார்வையில் கோலியாத் ஒரு சாதாரண ஒரு கரடி அல்லது சிங்கத்தை போல் காணப்பட்டான். இஸ்லே உன்கே ஆக்கும் के सामने ये विरोधी एक छोटा उन्होंने एक जानवर के जैसा उनको देखा. அவன் ஆக்கங்களை உள்ள ஐந்து புறாங்களை எடுக்க ஆரம்பித்தான். उन्होंने हमें वहां पे नदी के किनारे में जाकर एक पांच पत्थर को निकाला आवे कवने வைத்து அதை அடித்து அவனை கொல்ல வேண்டும் என்று எண்ணினான் ये पत्थर से उनको मारकर उनको मार डालने के लिए उन्होंने सोचा आवे அவனுக்கு தெரியும் ஐந்து குலாங்கங்கள் ஆமே நம்முடைய வேதத்தில் ஏசாயா 9 ஆறாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடி கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஐந்து நாமங்களை அது குறிக்கிறதா இருக்கிறது ये पांच पत्थर यशाया पुस्तक में लिखा हुआ है पवित्र परमेश्वर के नाम के समान है आवे अगर அதிசயமானவர் ஆலோசனை கர்த்தர் அவன் நித்திய பிதா சமாதான பிரபு வல்லமுள்ள தேவன் என்பது அந்த நாம वहां पे पांच नाम लिखा हुआ है परमेश्वर के वो अद्भुत काम करने वाला है तुम्हें बुद्धि देने वाला है सुमन सामर्थ्य देने वाला है हमें हमेशा हम तुम्हें बुद्धि देने वाला है ஆனால் முதல் கல்லை அடித்தான் लेकिन दाऊद ने पहली पत्थर से उनको मारा हमें அந்த கல் வல்லமுள்ள தேவன் என்கிற கல் ये पहली पत्थर सामर्थ्य के परमेश्वर के नाम समान हालेलुया 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 முதல் கல் பட்ட மாத்திரத்திலே கோலியாத் முன்குப்புற விழுந்து சாஸ்தாங்கமாய் தாவீதுடைய பாதத்தில் விழுந்து கிடக்கான் ये பைலே பத்தர் से वो विरोधी ने उन्होंने वहां पे गिर गया है उनके पांवों के नीचे उन्होंने गिर गया के मर गया हालेलुया பெரிய பர்வதத்தை போல் நின்று கொண்டிருந்தவன் சாஸ்தாங்கமாய் தாவீதுடைய பாதத்தில் முகங்குப்புற விழுந்து கிடக்கிறான் देखिए पहाड़ के जैसा उन्होंने खड़ा हुआ था लेकिन एक पत्थर से मारने से दाऊद के पांवों में उन्होंने गिर गया है हालेलुया हालेलुया देव ஆவியார் உனக்குள்ளே இருந்தார் अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में वास करे तुम्हारे सामने जो कुछ खड़ा हुआ पहाड़ के जैसा है सब नाश हो जाएगा तुमसे असंभव कुछ नहीं है क्योंकि परमेश्वर के नाम के उठाकर तुम्हें बहुत तुम्हारे विरोधियों को तुम्हारे समस्याओं को नाश कर कर तुम आगे और जाने के लिए इसलिए यहाँ पे पवित्र बाइबल में ऐसा कहता है कि आमीन राजाओं का राजा परमेश्वर तुम्हारे आगे जाने वाला है हालेलुया हालेलुया தினாலல்ல ராத்திரமத்தினாலல்ல தேவ ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும் बल से नहीं तुम्हारे शक्ति से नहीं है पवित्र परमेश्वर के आत्मा से सब कुछ संभव आमीन இந்த பரிசுத்தாவியாகிய தேவனை நாம் பற்றிபட ஆரம்பிக்கும் போது ये पवित्र आत्मा को हम मानत समय இயேசுவை முழு இதயத்தோடு நாம் விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது हम இயேசு மசீஹ் को जब आमीन पूर्ण हृदय से விசுவாசிக்க ஆவியான கர்த்தர் எனக்குள்ளே நிர்வாணம் என்று சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது விண்ணப்பம் करना चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आओ அவர் உன்னுடைய இதயத்துக்குள்ளே வந்து வாசமாய் जब बुलाத समय तुम्हारे हृदय में आकर वास करेगा உனக்கு ஜெயமில்லாத இடங்கள் எல்லாம் ஜெயத்தை கொடுக்க ஆரம்பிப்பார் जहां तुम जय नहीं पा सकते वहां पे जय दे उन्नाल முடியாத காரியங்களை அவர் செய்ய லகுவாக்கி கொடுப்பார் हमारे हाथ से जो कोई असंभव है सब कुछ संभव हो सकता है நீயே வியக்கவனவாய் அசாதாரணமான காரியங்களை அவர் செய்யும்போது ஆச்சரியப்படுவாய் तुम्हारे हाथों से आश्चर्य कर्म काम कर सकता है அந்த சர்வ வல்லமுள்ள தேவனை தான் நீங்களும் நானும் ஆராதிங்க वो ऐसे सामर्थ्य के परमेश्वर का हम आराधना करेंगे ஒரு விஷயம் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் एक बार उठाकर हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया Hallelujah, Jesus. Hallelujah. பலத்தினால் அல்ல, பராக்கிரமத்தினால் அல்ல. என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். சேனாவுக்கு ராஜா ஐசா கர்த்தா ஹே கி तुम्हारे பல் से नहीं तुम्हारे शक्ति से नहीं मेरे प्राण से मेरे आत्मा से सब कुछ संभव है. ஆமென். சர் ஆமென். கடந்த ஆண்டு ஒருவேளை உன்னுடைய வாழ்க்கையில பல பிரச்சனை தோல்விகளை கடந்து வந்திருக்கலாம். அகர் சாகே ஆமென் तुम्हारे 2011 में अगर बहुत इकट्ठा के अंदर आ सकते हैं. ஆமென் இந்த நேரத்துல அந்த தோல்விகள் எல்லாம் நீ நினைத்து கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த சமயம் आप लोगों में இவன்ட் கர்த்தா கோ ये पुराने तुम्हारे हराई को देखकर तुम्हें ஆமென் உகா உகா
में व्याकुल नहीं होना चाहिए हमें इन நல்ல வேளையிலே கர்த்தனோக்கி பார்ப்போம் ये अच्छे समय में प्रभु परमेश्वर को देखो अब सेनाகளின் கர்த்தர் ओ सेनाओं का राजा அவர் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை उन्होंने कहता है तुमको देखो பலத்தினால் பல பராக்கிரமத்தினால் பல बल से नहीं तुम्हारे शक्ति से नहीं हमें அவராலே எல்லாம் परमेश्वर से सब कुछ सोच रहा है அவருடைய விரல்களே வானங்களை உரிவாய் விரித்தது उनके हाथ हमें हमें आकाश को उन्होंने बनाया है हमें அவரே சகலத்தை सृष्टितவர் परमेश्वर ने सबको सृष्टि किया हमें இந்த நேரத்தில் உடற்குள்ளே வாசமாய் இருக்க விரும்புகிறார் तुम हमें अभी परमेश्वर तुम्हारे हृदय में वास करना चाहे अगर उन्होंने वर्ड के लिए मरबोद अगर अब यीशु मसीह तुम्हारे जिंदगी में आता समय असाधारण कार्य के लिए उन्हें सैया तो बड़ा काम करने के लिए सुन 12वें वर्षத்துல ये 2012 में हमें परिशुद्ध आवियान उन्हें असाधारण कार्य के लिए सैया अगर आत्मा तुम्हारे तुमसे लेकर हमें उन्हें कटर पारंगल इल्लावर पोगार में तुम्हारे चौकज उदारे सब नाश हो जाएंगे उन कुटुंब वर्ल्ड के धलिर का तुलिर का आरंभ वो तुम्हारे हमें परिवार के जिंदगी एकदम हमें सैया जिस बात में तुम्हारे कठिनाई है सब में कल करने के लिए जो कुछ असंभव है तुमसे लेकिन पवित्र आत्मा से सब कुछ अगर मुंह खोल कर पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आओ बोले परमेश्वर के सच हृदय से कहो कि परमेश्वर तुमसे ही होता हो सकता है आपसे ही हो सकता है लेकिन परमेश्वर आज मेरे हृदय में பெரிய பர்வதன் போன் இருக்கிற காரியங்கள் உன் வாழ்க்கையில் உண்டா அங்க तुम्हारे हृदय में हमें तुम्हारे सामने पर्वत के जैसा हमें कार्य होगा ஆமென் ஆவியானவர் அந்த பர்வதங்களை பார்த்து இந்த நேரத்துல பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் ஆமென் பவித்ர ஆத்மா आज इस समय कहता है कि वो पर्वत को नाश कर देगा பெரிய பர்வதமே எம்மோத்திரம் தேவ பிள்ளைகளாய் இவர்களுக்கு முன்பாக இவையெல்லாம் சமபூமியாகும் बहुत बड़ा 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 पहाड़ भी ஆமென் यीशु मसीह के बच्चों के सामने नाश हो जाएगा ஹalleluya இந்த காலை வேளையிலே ஆமென் இந்த ராத்திரி வேளையிலே ஆமென் கடைசி ஆமென் நேரத்தில் நாம் தாண்டி ஆமென் புதிய ஆண்டுக்குள்ளே வந்திருக்கிற நாம் இந்த புதிய ஆண்டிலே அசாதாரணமான காரியங்களை எதிர்பார்ப்போம் அபி என் नया साल के अंदर आया हुआ लोगों ने ये नया साल में असाधारण का बहुत आने கர்த்தருடைய ஆவியான அளவிலாம் உங்கள் உள்ளங்களில் ஊற்றப்படுவார் இந்த ஆத்மா बहुत से तुम्हारे हृदय में भरे ஒவ்வொரு கேக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கு அவருக்கு நிறைவாய் கொடுக்கிறவர் जो कोई मांगेगा उनको देने वाला ஆமென் இந்த நேரத்தில் கரங்களை தட்டி தேவனை சமூகத்தில் நாம் புதிக்க ஆரம்பிப்போம் சகதாலே விடாக இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த ஆவியானவரை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம் वचन है
हर एक आदमी आकर लाइन में आकर हर एक आदमी के लिए वचन है, हर एक आदमी के लिए प्रभु परमेश्वर की वाचा है। उन्होंने वायदा करता है, जो वायदा करेगा उन्होंने पूरा भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 2012 के लिए तुम्हारे वाचा है, यहाँ पे लाइन में आकर हमें एक लेके जाएगा, एक एक लेके जाएगा, एक लेकर ऐसे जाएगा। जल्द से आगे, जल्द से एक एक वचन को निकालकर इधर इधर बैठे के एक मिनट हमें प्रार्थना करके चल जाएंगे। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में परमेश्वर के प्रेम पवित्र आत्मा के अन्योन्य समूह हमारे साथ हमेशा रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हैप्पी न्यू ईयर सब। हालेलुया, हालेलुया। और एक-एक को मिलकर हमें विश देकर हैप्पी न्यू ईयर बताकर आप लोग चलते हैं। हालेलुया, और एक-एक को मिलकर हमें विश देकर हैप्पी न्यू ईयर बताकर आप लोग चल जाइए। आप लोग का फूड का काम सीखे सब लेकर हम चल जाएंगे। हालेलुया, स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता
दाता एकलौता